टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। जहां हम मौसमी तब्दीली टोरंटो में देख रहे हैं कि अब तक बर्फ बहुत कम पड़ी है, वैसी ही खबरें हमें कश्मीर के इलाके गुलमर्ग से मिल रही हैं, जहां दिसंबर के महीने में ज्यादातर बारिशें ही होती रहीं। इस वजह से स्नो स्कीइंग का सीजन बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस सबब से टूरिज्म का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। गुलमर्ग की बात करेंगे, आपने खुद कहा कि लास्ट ईयर यहाँ पे तो 4-5 फुट बर्फ थी। जी सर, पूरा कश्मीर ड्राई स्पेल में चल रहा है। जी सर, कैसे आप इसको देख रहे हो? हम इस नजर से देख रहे हैं, या तो हमारा ये किस्मत ही खराब है सर, वरना यहाँ पे 4-5 फुट बर्फ होते हैं, इसमें रोजगार सबका मिलता था, होटल वालों का भी, सिलेज वालों का भी, हेल्पर का भी। लेकिन इस टाइम में हमने इतने कम से कम, हम भी 40-50 साल के उम्र में है, आज तक हमने कभी नहीं देखा है चिले कलान के मौसम में ये घोड़े यहाँ जानवर चलते हैं। हम रात के 10 बजे घर पहुँचते हैं, मतलब घोड़ों को भी सकती, हमें भी सकती, जाने हजरत अल्लाह ताला की ये मर्जी है कि यहाँ पे बर्फ नहीं है। अब हम यही दुआ करते हैं कि अगर बर्फ पड़े, हर एक को रोजगार मिले यहाँ, क्योंकि यहाँ रोजगार जो है ये बर्फ हमारी रोजी रोटी है, क्योंकि इसी बर्फ से यहाँ रोजी है। वरना गुलमर्ग किस काम की है या कश्मीर किस काम का है, ये मशहूर है हर जगह में, बिरूनी मुल्कों में, क्योंकि कश्मीर में बर्फ पड़ता है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे गुलमर्ग में काम पिछले तकरीबन 9 साल से, और आज का डेट 8 जनवरी, जो मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि ये अफसोस की बात है कि अभी यहाँ पे घोड़े चल रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे स्लेज का काम अभी चलता था, लेकिन आज हम, मेरी लाइफ टाइम में ये पहली बार यहाँ पे आज जनवरी में घोड़े चल रहे हैं, और अभी मैं तो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। बाकी अभी गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, कोई इकदाम, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पोल्यूशन बहुत है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, आप अभी हर तरह का पोल्यूशन यहाँ पे देखोगे। अभी ये कोई वैसी बात नहीं है कि अगर आप जो करोगे वैसा ही होगा, अगर हमने ये नहीं ध्यान रखा कि हमको कि ये एक ग्रीन लैंड है यहाँ पे, हमारे कुदरत का एक तोहफा था हमारे पास, लेकिन हमने नहीं, हम इंसानों ने इसको बिगाड़ा है, हमने इसको ठीक नहीं रहने दिया। बाकी तो बस अफसोस की बात है। राजवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट में ट्राउट मछली की फार्मिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। फार्मिंग के इस बिजनेस से वाबस्ता लोगों की माली हालत बेहतर हो रही है। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट देखें।
मोदी का बहुत शुक्रगुजार कर रही हूँ। मुझे इसके पहले कोई काम नहीं था, इस बुदुल में कोई यूनिट नहीं था, कोई किसी किस्म का काम नहीं था। इस वक्त मुझे एक यूनिट मोदी साहब ने दिया हुआ एक यूनिट, उससे मैं बहुत काफ़ी मैंने बिजनेस किया, लाख डेढ़ लाख की बिजनेस मैंने की है। उसके बाद मैं उन्हीं पैसों से मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और घर का सर्कल भी चला रही हूँ। तो यहाँ पे लोगों ने जो है फिशरीज के यूनिट्स खोले हैं, सब्सिडाइज रेट पे जो उनको लोन मिला है फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ मिलके, बाकी जितने भी मशीनरी है वो भी इंस्टॉल की गई है। और यहाँ का ट्राउट जो है आज पूरे देश में नहीं, मैं जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम हिमाचल प्रदेश के ट्राउट जैसा जो है वो रोशन कर रहा है। देखिए, ये अगर हैचरी की बात आप करें तो मैं कहता हूँ वजीर आजम ऑनरेबल प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के हम बड़े तय दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो एक योजना बनाई है उसके मुताबिक हमारे जो बेरोजगार बच्चे भटक रहे थे रास्ते में, इधर उधर भटक रहे थे, ये उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम दी है बेरोजगार बच्चों के लिए या हमारे जो फार्मर्स हैं, जो ऐसे ही हमारी बच्चियाँ जो है, मैं कहता हूँ कि 100% जो है ये इम्प्लीमेंट हुई है। और अब ये जो जिस तरह की आप हैचरी देख रहे हैं, इस तरह की हैचरी वजीर आजम साहब का बहुत तय दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे जैसे लोगों को अब हैचरी भी HADP प्रोग्राम में, तो इन्होंने ये हैचरी का सिस्टम भी दिया है, बायोफ्लाक का दिया है, तो ये सारे सिस्टम जो है अब वजीर आजम साहब ने डोर टू डोर हर आदमी बना सकता है, उसके लिए अच्छा खासा पैसा रखा है। श्री आनंद ईश्वर भैरवनाथ की जयंती के मौके पर मेसोमा श्रीनगर में एक खसूसी हवन का अहतमाम किया गया जिसमें हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। हम यहाँ पे आज आए हैं आनंद ईश्वर भैरव मंदिर में आए हैं। यहाँ ये मंदिर हमने कम से कम 32 साल के बाद आज यहाँ पे हम हवन कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, आप देख रहे हैं कि अंदर भी चल रहा है कार्यक्रम। तो ये मुमकिन हो सका थोड़ा बहुत यहाँ के लोगों की वजह से भी और एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प भी है, तो हमने ये मंदिर बिल्कुल अच्छी तरह से खोल खाल के यहाँ पे हवन शुरू कर दिया है। बाकी आप ये पीछे ये पट्टी देख रहे हैं, ये फारसी में ये पट्टी लगी हुई है, इसमें फारसी में लिखा हुआ है कि ये मंदिर कम से कम 300-350 साल पहले का बना हुआ है। ये बहुत ही गर्म ज़ियारत है, अगर मैं यहाँ के लोकल स्थापन है, ये बहुत ही गर्म स्थापन है यहाँ पे। तो हम यहाँ आज अच्छी तरह से कर रहे हैं, सारा कुछ हेल्प हमको मिल रहा है। 30 साल के बाद ये मंदिर खुला है तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, अब बहुत अच्छा हम लग रहा है। आज सुबह 5 बजे से हमने कार्यक्रम शुरू किया, अभी चल रहा है, ये 2 बजे तक चलेगा, उसके बाद प्रसाद बांटेंगे। तो आपको लगता है कि माहौल जो बहुत अच्छा सुधर गया? अरे बहुत सुधर गया, माहौल बहुत अच्छा है। और हम ये कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं, आपने शायद उठाया है अंदर से आपने,
बहुत चल रहा है अच्छी तरह। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो कितना सपोर्ट मिला? बहुत अच्छी तरह से वो सब आए थे यहाँ पे सुबह, कोई किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो बिल्कुल सही। राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले पूरे भारत की तरह जम्मू में भी राम मंदिर के रेप्लिकास की भरपूर डिमांड है। जम्मू के वासियों ने इन रेप्लिकास का हजारों की तादाद में ऑर्डर दे रखा है, लेकिन उनकी सप्लाई बहुत महदूद है। देखिए अभी जैसे 22 तारीख को राम जी हमारे पधार रहे हैं, उसके मद्देनजर देखते हुए लोगों की काफ़ी डिमांड है कि हमें ये वुडन में जैसे लाइक दिस, ये राम दरबार की बहुत डिमांड है कि ये मॉडल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसमें ये पोजीशन है कि ऑर्डर ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है, तो उसी हिसाब से थोड़ी सी प्रोडक्शन चाहिए हमको माल सेल करने की, प्रोडक्शन और डिमांड हमने दे रखी है, आ रहा है बीच बीच में माल काफ़ी, लेकिन डिमांड ज़्यादा है उसकी जी। कितने तरीके के अलग अलग डिफरेंट वरायटी है सर इसमें? चार पांच वरायटी के तो वुडन में है, तीन चार साइज में है, ब्रास में है, ऐसे ये राम दरबार भी हमारे पास पड़े हुए हैं पीतल में। राम जी के रिलेटेड जितनी भी आइटम है सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें राम जी के रिलेटेड अभी आइटम चाहिए थोड़ी सी। पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने सब्जियों के छोटे पौधों की सेल का काम श्रीनगर में शुरू कर दिया है। डिपार्टमेंट की हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों को वक्त से पहले बीज और छोटे पौधे फराहम किए जाएं, ताकि लोग अपनी सहूलत के मुताबिक उनकी काश्तकारी कर सकें। की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने जो आज ये सेल रखी इस रेड कॉर्नर की, ये बहुत अच्छी है और ये हाई क्वालिटी का होता है, हम हर साल लेते हैं और इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। जो भी इसके साथ मतलब मौलवी से करना चाहते हैं सब्ज़ के साथ, अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पर उन्होंने आज ओनियन दिया, साग वगैरह और कुछ है और बहुत सारी पनीर है, बहुत अच्छा कदम है ये। आज हमने यहाँ किचन गार्डन स्कीम जो लाल मंडी में यहाँ पे है, हमने यहाँ से आज रबी सीडलिंग की शुरुआत की है और हम आज ओनियन दे रहे हैं। ये एक रेड कोरल इस वैरायटी का नाम है, एक बहुत अच्छा ओनियन है जिसकी शेल्फ लाइफ एज कम्पेयर टू हमारे जो कश्मीरी लोकल प्याज है उससे ज़्यादा है, तो और इसकी रेट भी रिजनेबल है। सो जो जो इस किचन गार्डन जिनके पास है, जो यहाँ अर्बन एरियाज में रहते हैं, जिनके पास छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, वो उन्हें लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास इस टाइम सीडलिंग अवेलेबल है, आप आ सकते हैं, आप यहाँ से सीडलिंग ले सकते हैं।
आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।